नमस्कार दोस्तों, रंग किसी अच्छे नहीं लगते, महिला हो या फिर पुरुष, सभी को रंगों से विशेष लगाव होता है। रंगों का अपना एक विशेष महत्व है। रंग व्यक्तित्व को निखारते हैं। आप कभी महसूस करके देखिएगा कि जब हम कभी उदास होते हैं या परेशान से होते हैं, हमारा मन किसी काम में नहीं लग पाता, यदि उस समय हम कोई अलग तरह के रंग का ड्रेस पहन लेते हैं तो हमारा मूड तुरंत ही बदल जाता है। यही नहीं, रंग हमें खुशी का एहसास भी कराते हैं। रंग मन की भावनाएं भी दर्शाते हैं। कई रोग भी रंगों द्वारा ठीक किए जाते हैं, जिन्हें हम कलर थेरेपी के नाम से जानते हैं। इस पर काफ़ी रिसर्च भी हुई है। यह भी मान्यता है कि यदि हम दिनों के अनुसार इन रंगों के वस्त्रों को धारण करें तो हमें हमारे कार्यों में काफ़ी हद तक सफलता मिल सकती है। इस रिपोर्ट के माध्यम से हमारा उद्देश्य अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। हम तो आप लोगों को केवल रंगों के विषय में जानकारी देना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं दिनों के हिसाब से किस रंग के कपड़े कौन से दिन पहनने होते हैं शुभ। सोमवार। सोमवार चंद्रमा का दिन है। इस दिन सफेद या सिल्वर कपड़े पहनने के बारे में कहा गया है। सोमवार को शिवजी का दिन भी माना गया है। कई लोग सोमवार के दिन शिवजी को सफेद फूल भी चढ़ाते हैं। इस दिन आप कोई भी हल्के कलर के कपड़े पहन सकते हैं, लेकिन सफेद रंग के कपड़े पहनना अधिक शुभ व लाभकारी माना गया है। इसलिए इस दिन को सफल और शानदार बनाने के लिए सफेद के अलावा कोई और रंग ना ही पहने तो ज्यादा बेहतर है। हाँ, हल्का नीला ग्रे कलर पहन सकते हैं। मंगलवार। मंगलवार का दिन हनुमान जी का माना गया है। हनुमान जी को लाल रंग काफी प्रिय है, इसलिए मंगलवार के दिन लाल रंग, नारंगी, गहरे भूरे, चॉकलेटी रंग के कपड़े पहनने चाहिए। कहा जाता है कि इस दिन इन रंगों को पहनने से व्यक्तित्व में एक अलग ही आकर्षण उत्पन्न होता है और आपकी बातों का सामने वाले पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इससे जीवन में सब मंगल ही मंगल होता है। बुधवार। बुधवार का दिन गणेश जी का माना गया है। गणेश जी को दुर्वा बेहद प्रिय है, इसलिए बुधवार के दिन हरे रंग के कपड़े पहनना फलदायी होता है। यह भी कहा जाता है कि व्यापार में या कारोबार में यदि काफी लंबे समय तक सफलता नहीं मिल पा रही है तो हर बुधवार को हरे रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। चाहे एक टी शर्ट ही पहने, चाहे भी कोई शर्ट पहने, यह रंग से नौकरी में अनुकूल वातावरण उत्पन्न होता है। गुरुवार। हिंदू धर्म में गुरुवार का दिन भगवान विष्णु जी का माना गया है। इस दिन पीले रंग के कपड़े पहनने चाहिए। इसके अलावा नारंगी रंग के कपड़े भी पहन सकते हैं, लेकिन पीले और सुनहरे रंग के कपड़े पहनने से यह दिन आपके ही नाम रहेगा। शुक्रवार। शुक्रवार का दिन देवी माँ दुर्गा का दिन है। इस दिन साफ सुथरे और धुले वस्त्र ही पहनने चाहिए। हल्के लाल, गुलाबी, भगवा रंग, चेक्स लाइनिंग वस्त्रों को पहनने से हर क्षेत्र में लाभ मिलता है। इस दिन रंग बिरंगे प्रिंटेड कपड़े पहनने से शरीर में स्फूर्ति ऊर्जा का प्रवाह मिलता है। इस दिन इन रंगों पर देवी माँ की कृपा बनी रहती है। शनिवार। शनिवार के स्वामी न्याय के देव शनि महाराज जी हैं। इस दिन काला, नीला, बैंगनी या जामुनी रंग पहनना चाहिए। शनिवार के दिन गहरे रंग के कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि इस दिन शनिदेव की कृपा बनी रहती है। शनिदेव को गहरे रंग बेहद प्रिय हैं। इन रंगों को पहनकर आत्मविश्वास व संकल्प शक्ति बढ़ती है। अतः आप इस दिन इन गहरे रंगों को पहनना शुरू करें। यकीन मानिए, आप जिस भी क्षेत्र में कार्यरत हैं, आप अपनी छाप छोड़ने में अवश्य ही सफल होंगे। रविवार। रविवार का दिन सूर्यदेव व उनके तेज तथा ऊर्जा का दिन माना गया है। इस दिन लाल, गहरा पीला, सुनहरा, संतरी, गुलाबी रंग धारण करना चाहिए। इस दिन सूर्य देव की उपासना की जाती है। इस दिन सूर्य की तरह खिले हुए रंग पहनने चाहिए। रंगीन परिधानों को इस दिन पहनने से हम बहुत ही तरोताजा उत्साह का अनुभव करते हैं। तो दोस्तों, है ना मजेदार बात। आशा करते हैं आपको हमारी यह रिपोर्ट पसंद आई होगी। धन्यवाद। समाचार के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक ताज़ा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहे प्रखर गूंज न्यूज़ डेस्क के साथ।